एवरीवन, कैसे आप सब? मैं हूं आपका सचिन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सचिन व्लॉग 006। आपको 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू व्लॉग दिखा रहा हूं और आज फिर आपके सामने पेश हो गया हूं मैं। और भाई दिसंबर चल रहा है, आज है कितना 14 दिसंबर 3:15 आज 18 दिसंबर है। और 18 दिसंबर में मैं क्या ही बताऊँ, ये जैकेट पहनी हुई है, इसके अंदर इतनी गर्मी लग रही है ना मेरे को, मतलब सर्दियां तो गई भाई, आई कब थी तो चली गई, मतलब गई इन द सेंस की हमेशा के लिए गई। अब तो दिल्ली विल्ली में सर्दियां नहीं पड़ती अब। और तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक चीज, देखो अभी कोई ने किसी ने नोटिस नहीं कराया होगी, मैं नोटिस कराता हूँ, जूम अगर हो गया तो मेरा तगड़ा कोई सिग्नेचर भी ऐसा कुछ बनना है सामने। तो ये कहाँ पे है? ये ITO में है। ये बन के जब तैयार हो जाए तब दिखाऊंगा आपको मैं तरीके से। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाई जो किसी ने देखी, दुनिया का 9 बाजू हुआ। बाकी निशु भाई साथ में, हेलो गाइस। और आपने देखा ही होगा हमारा सोनी देखा का ब्लॉग कैसा था, बढ़िया। पर उस पर यार मैंने मीम्स वगैरह एडिट कर दिए ना, उसकी वजह से क्या हो गया, उस पर येलो डॉलर आ गया मेरा। तो मैं जो डॉलर गिनना था ना चाय के लिए आ रहे थे 2-4 डॉलर, अब वो चाय के लिए भी नहीं आ रही उस वाली वीडियो पे, तो क्योंकि वो क्या हुआ, येलो डॉलर से मेरी जो वीडियो थी वो मोनेटाइज में नहीं आई है पूरी तरीके से। वो रिव्यू के लिए डाल दिया मैंने, जब वो रिव्यू हो जाएगी तो उस पर फिर आप देख चुके हो तो व्यू नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से उस पर ऐड नहीं आ रहे, मतलब आपने देखी भी होगी वो पूरी पूरी वीडियो ऐसी चल रही है गोली की तरह, उस पर ऐड नहीं आ रही। सो हम आए अभी ITO और हम जा रहे हैं अभी, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। और आज हम एक पॉडकास्ट करेंगे बढ़िया सा, और पॉडकास्ट और अभी मेरा एक पॉडकास्ट और आने वाला है, मेरी बार 007 जो मेरा चैनल है उस पर, वो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ ठीक है, और वो देखना जरूर, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होगी हमारा। मेरी जो आप भी थी वो मैंने बताई है और जो इनकी जो एक्सपीरियंसेस थे वो इन्होंने बताया, शेयर करें हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं आगे क्या होता है। अभी एक बंदा और जुड़ने वाला है हमारे साथ, हम 3 लोग हैं, एक पीछे बैठे भाई साहब, ये भाई अपनी जल्दी से अपनी एक हॉरर स्टोरी आप सुनाने वाले हैं जो इनके ऊपर आ जाए। अभी एक बंदा और जुड़ेगा मेरे साथ, तो मैं दिखाता हूँ उसको, इसके साथ में जोड़ता हूँ क्योंकि वो मिलेगा मैं रास्ते में अभी आगे। संस्कार आ गया, अपनी गाड़ी ले आगे पीछे कर रहा है, इसको जगह नहीं मिल रही क्योंकि पूरी पार्किंग आज फुल है, सुंदर उसकी ये देख, पूरी पार्किंग फुल है। अब ये देख रहा कहाँ लगाऊँ गाड़ी, अब ये बुलाएगा भैया, ये कह रहे आगे लगाओ, अब फिर आगे ले गए, बैक करके लाया फिर आगे ले गया, फुल है पार्किंग आज। हेलो। सो भाई आने वाला लोंडा, ये देखो झाड़ियों में पैर दिख रहे होंगे आपको, दो चलते हुए ये रे झाड़ियों में पैर दिख रहे होंगे चलते हुए, ये आ रहा इंस्पेक्टर रघुवीर उफ रघु, पहले तो थोड़ा सा ये देखो अपने नंबर बना रहे हैं बैठे बैठे यार, आ जाओ भैया, आ लौटे आ जाते हैं इंतजार था मैं, क्या रहा तेरे तेरी राइफल कहाँ है भाई, संस्कार आ गया, राइफल कहाँ है तेरी राइफल, हाँ क्या करना चाह रहे हो ये <नहीं। laughs> भाई ये पिस्तौल को राइफल बता रहा भाई, राइफल ही है राइफल ही है वो पिस्तौल भी अब गोली बना बैठे एक चीज़ बताओ, अगर आप कुत्ता लेते हो कोई भी कुत्ता, तो आप उसे इसलिए लेते हो कि अपने घर में रख सको या फिर उसे अपना शौक पूरा कर सको, पैसे इसलिए खर्च करते हैं। अब पिटबुल तो आप जानते हो कितना महंगा आता है, तो ये हमारे भाई साहब है, इन्होंने लिया पिटबुल, कि चलो मैं एक कुत्ता लेता हूँ, मुझे शौक है कुत्ता पालने का, तो इन्होंने लिया पिटबुल, क्या नाम है उसका, शेरू, शेरू पिटबुल का नाम रखा, शेरू जब ही तो नाम रखा है भाई भाई वो भी गाली वक्ता होगा मन मन में कि बहन की आँख, मैं हूँ पिटबुल, मुझे बुला रहा शेरू मैं गली कुत्तों का नाम होता शेरू भाई तूने तो उसका रेट गिरा दिया बेली खत्म करते कुत्ते की, बिल्कुल वो कह रहा हो भाई तू बोल ले मैं सुन ही नहीं रहा, तू कह रहा शेरू शेरू वो सुनता ही नहीं हुआ, बोलता रहे मेरा नाम है नहीं, मैं सुनो नाम तो पंडित से रखवा लेता किसी बढ़िया से, बताओ क्या नाम रखोगे तो भाई उसका नाम कुछ इंग्लिश रखता, कैसे मखेना रख ले, मखेना यूसी सचिन रख दूं, सचिन नाम का कुत्ता तो काट लेगा एकदम काटते फिर हो गया निशु भाई कहाँ का काटा है इन्होंने, मग तू उसका नाम रख सरिया रख, सीमेंट रख, कुछ और रख, पर तेरे को शेरू, अब शेरू तो कॉमन नाम है, अब तो जो देसी कुत्ते उनके नाम में शेरू नहीं होते मोस्टली, मैंने देखे उनके भी नाम, बात है ना जब इधर उनके भी नाम ब्रेड पिट लिट, मुझे ये बता तूने कुत्ता खरीदा कितने का, ये मैंने करी 30,000 का, 30,000 कुत्ता खरीदा पिटबुल का,
30,000 का मेला फीमेल खरीदने के बाद तू अपने घर में नहीं रख रहा उसे फायदा भाई क्या? पूरे दिन मेरे साथ ही रहता हूँ। नहीं मेला फीमेल है मेल तो भाई मेल की तरफ होती है फीमेल खरीदता तो बाद में ठीक थी बच्चे बच्चे दे देती तो बेचने काम आते। तो भाई मेरा ये दोस्त है और इसने क्या करा कुत्ता खरीदा कि चल मैं शौक पूरा करता हूँ और इसके घर में अलाउड नहीं है कुत्ता। इसके मम्मी पापा दोनों ही उस कुत्ते के खिलाफ है कि भाई हम कुत्ता नहीं रखेंगे। बोले एक है तो हम दूसरे का क्या करेंगे। क्या ये खुदा जाए अपने सासा और कुत्तों को लिया अपने दोस्तों को। तो इसके घर वाले खिलाफ है कुत्तों को नहीं रखना। अब क्या ये उस कुत्ते से शौक कैसे पूरा करता है? उसका स्टूडियो है, स्टूडियो में रख लेगा मतलब 8-10 घंटे। बाकी जो इसका जो एक वो है एडिटर है जो मशीन ऑपरेट करता है उसके घर पर वो कुत्ता रहता है पूरे दिन। पैसे लगाए इन्होंने, पॉटी उठा रहा है वो। उसे भी कुछ देता है उसे जो कुत्ते जो कुत्ते को देता है ना उसी में से कहता थोड़ा खा लियो कुत्ते का खाना दे दो। कुत्ते का खाना उसे देता मतलब कुत्ते को कुछ नहीं खुद थोड़ी खा लेगा कुत्ता। ये बताओ पैकेट खोल के अपने आप थोड़ी खाएगा उसे दूंगे जब भी तो देगा देगा समझ रहे हो। पेडिग्री पेडिग्री वेज वाला पेडिग्री खिलाता है वो भी किसको बताओ कुत्ते को जिसको देखा कुत्ता उसको देता मतलब उसमें से थोड़ा बहुत वो खा लेता होगा। अच्छा आप खाते हो गया भाई मैं तो खा रहा था वो सांड वो आदमी खोल तो नहीं रहा उस दिन से जिस दिन से कुत्ता पाला। हां बताइए वो पहले से हो गया मोटा वो मोटा हो गया वो एक बार संस्कारों से लेकर निकला लड़के को। नाम क्या उसका? लकी। अब संस्कार ने वीडियो बनाई थोड़ी सी उससे संस्कार बोला बेल्ट लगा ले तो उसने बेल्ट रखती ऐसे उसने बेल्ट लगा रखी ऐसे तेरी बहन किया चलान करके दिखा अन्ना अनप्रो उसने बेल्ट यहाँ लगे। मैंने भाई तू भी राय बल्ले लाने का शौकीन है क्या? तो ये एक जोक सपाट बाकी दोस्त है मेरा बढ़िया है। और ऐसे इसने पता क्या करा एक दिन ये ले गया चूहे कलरफुल चूहे है ना चूहे तो ना नहीं गिनी पिग्स गिनी पिग्स क्या बोलते हैं ना वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी वाली पता क्या बोल रहे हैं चूहे चूहे कह दो हाँ चूहे होते हैं अमेरिकन चूहे। तो वो लेके आए ये और भाई बड़ा खुश था ये मेरे ब्लॉग में है शायद वो एक मैंने डाला भी था वीडियो बनाई थी पता नहीं मुझे याद नहीं अच्छे से। तो वो लेके आए ये सुबह को लेके आया सचिन भाई ये लेके आए वो शाम को मैं जब दूसरे दिन गया मैंने कहा है वो बोले वो तो मैं वापस लिया मम्मी पापा ने मना कर दिया चूहे बूहे नहीं देंगे घर में। मैंने कहा इसको है शौक इन चीज़ों का पर इसके घर में अलाउड नहीं है भाई सारी चीज़ें पर फिर भी जितना इसका जितना मन करता है आपके घर पर छोड़ दूंगा जितना इसका मन करता है बेचारे का ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं वो शौक पूरा कर सकूँ। पर बढ़िया बात है मुझे तो शौक की बात नहीं यार सेवा करनी चाहिए सेवा करनी चाहिए तो गली मोहल्ले को भी उनको भी कर सकता है वो बराबरी होता है कोई भाई उन्हें तो हर रोज कर दो। हाँ अब एक चीज़ और इसकी मैं बताऊँ इसने मंगाया टैब मैं गया शूट पे स्टूडियो शूट करने जब टैब देखा मैंने तो मैंने कहा टैब लिखा है तू बोला हाँ टैब लिखा है। जब मैंने टैब देखा ना वो तो मैंने उसका हल्का सा कवर डाल के देखा वो टैब क्रैक हो रखा था कवर से ही हुआ है। अब इसका ना वो टैब कोई तोड़ के चला गया और मुश्किल से कितने दिन हुए वैसे भी लाए हुए दो महीने भी नहीं हुए होने वाले दो और इसको पता भी नहीं मैंने दिखाया मैंने संस्कार ही का रखा है जब ये कह रहा भाई यार तो कोई तोड़ के चला गया। तो भाई इसका नुकसान होता रहता है हम नहीं चाहते कि नुकसान हुआ ऐसे होता रहता पर ये नुकसान में रहता है लड़का लगवाया अभी होम ये क्या है होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवाया बड़ा ज़बरदस्त और अब तो कस्टमाइज हो जाता है बिल्कुल छोटी सी जगह में लग गया है जगह भी नहीं कह रहा बढ़िया हमारी किया सोनट देखो कितनी गंदी कर रखी है ये हमारे संस्कार भैया की गाड़ी बाबू वैसे चला ले क्या वैसे चला ले बिना नेटवर्क वाले गाने। सो भाई रात हो गई है और अभी हो गया टाइम आज मेरा फास्ट था जैसे कि मंडे है और बज गए 6:05 हो चुकी हैं। संस्कार चला गया था उसके पापा की तबीयत खराब थी तो वो हॉस्पिटल में थे तो वो चला गया फटाफट से वहाँ हमने पॉडकास्ट शूट किया अभी गाड़ी में बैठ गई और हम कहाँ पे सुंदर सिंह के जंगलों में बैठे गाड़ी के अंदर और यहाँ से बस थोड़ी देर निकलेंगे और बहुत ज़्यादा शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा मतलब संस्कार का पॉडकास्ट भी हमने थोड़ा सा शूट किया था वो चला गया जल्दी और उसके बाद में दीपक भाई के बाद साथ शूट किया नहीं डालूंगा। तो बहुत ज़बरदस्त था ये पॉडकास्ट देखना जरूर मैं अपने चैनल पर जो चैनल है बता दूंगा मेरी बार 007 उसी पर मैं पॉडकास्ट सारे डालूंगा तो आप देख सकते हैं बढ़िया आपको मिलेंगे सुनने को पॉडकास्ट जो कहानियाँ हैं लोगों के साथ जो घटित हुई हैं बीती हैं वो सारी चीज़ें बाकी ये मेरा ही है तो अब शाम की रह गई है सुबह शाम को तो बिल्कुल हल्की फुल्की ठंड पड़ती है दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है पसीने आ रहे हैं लागे नहीं कहीं।
सो गाइस आ गए हूँ घर पे और आज का दिन ऐसे ही रहा, ठीक ठीक रहा, क्योंकि पॉडकास्ट हमने शूट करना था तो वो हमने कर लिया। दूसरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी फास्ट था तो फास्ट खोलने जा रहा हूँ मैं, अभी कुछ खाऊंगा। और अपना अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग शूट करेंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कैसे कैसे रहता है, क्या क्या रहता है। तो ये देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।